अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो आज की मेरे इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है फार्मूला है हमारे पास ए माइनस बी वाला फार्मूला है, उस फार्मूले को प्रूव करना सिखाऊंगा कि किस तरह से प्रूव किया जाता है, और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो देखें, पहले हमारे पास इस फार्मूले को हम इसे बहुत ही आसान तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ए माइनस बी, जैसे हमें आसानी हो, जिस तरह से हमने ए प्लस बी वाले के अंदर किया था, यहाँ पर a माइनस बी हमें ऐसे लिखा है इस फार्मूले को। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है। अब इसे देखें, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, सही है। इसका a, ये a है, इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इस वाले टर्म से पूरे से मल्टीप्लाई होगा। देखें किस तरह से, ये देखो a, यहाँ पर ए किसका है, ए के सामने कोई सिंबल नहीं है, जिसके इसके सामने प्लस की सिंबल है, ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पर इसके साथ, अब यहाँ पर आते हैं बी की, अब बी वाला इस अभी बी इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का बी आ गया, ये माइनस का बी है ना, अब ये सारे से इससे ए माइनस बी, तो अब यहाँ पर a इंटू ए, तो हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया a, ठीक है। ये और माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पर a इंटू बी ए बी हो गया, क्या हो गया, ए बी हो गया। यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पर भी ए बी हो गया, सही है। यहाँ पर अब प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर प्लस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये वाली, ये माइनस के सिंबल है, ये माइनस के सिंबल, दोनों मल्टीप्लाई हुई तो जहाँ प्लस हो गया, बी इंटू बी ये हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब इस फार्मूले को हम और सिंपली करें, अब इसे करते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, ये कटेंगे नहीं, इन दोनों की सिंबल्स एक जैसी है तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं इसके, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है अब मिले हुए हमें, जैसे कि थ्री ए प्लस फोर बी, थ्री ए प्लस फोर ए, सॉरी माइनस फोर ए बी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर के अंदर मिला, होल स्क्वायर के अंदर मिला पड़ा है। तो अभी से हम सिंपली, हमें इसे इस तरह से लिखूंगा, ठीक है, इसको मैंने सिंपल से करना है, सिंपल सा आपको करके लिखना है, जैसे समझ आ सके। थ्री माइनस फोर बी, ठीक है, थ्री माइनस ए माइनस फोर बी, ठीक है, फोर बी, इसे सिंपल सा कर दिया मैंने। अब इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री को जो है, अब यहाँ पर थ्री को करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, थ्री ए को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, थ्री ए माइनस फोर बी से, फिर अब हम माइनस फोर बी को मल्टीप्लाई करते हैं थ्री ए माइनस फोर बी से, ठीक है, थ्री थ्री ज़ा नाइन, और यहाँ पर नाइन ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पर, अब यहाँ पर थ्री फोर था ट्वेल्व, ये क्या हो गया, ट्वेल्व ए बी हो गया, सही है। अब थ्री फोर था, ठीक, यहाँ पर भी ये मैंने थ्री फोर था ट्वेल्व, ये प्लस, ये इसके सामने कोई निशान नहीं, तो सिंबल प्लस की सिंबल है, तो ये भी कितना हो गया, ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर होता है फोर फोर था कितना हो गया, सिक्सटीन, ये कितना, सोलह हो गया, सोलह बी स्क्वायर हो गया, चिन्ह बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर है, तो ये आपस में तो नहीं हो सकेंगे, ये आपस में हो सकेंगे, ठीक है, ये ट्वेल्व माइनस ए बी है, ये ट्वेल्व माइनस ए बी है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये दोनों सेम जैसे, तो फिर इन दोनों करते हैं, यहाँ पर करते हैं नाइन ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर बारह और कितने हुए, चौबीस हुए, चौबीस ट्वेंटी फोर ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से। अगर देखें, अगर इस जैसे अगर हमें दूसरे भी क्वेश्चन मिले, तो हम उसे, अगर हमें ऐसे मिला हो एक्स माइनस
वाई, ये वाला जो मैंने आपको पहले समझा था वैसे भी ऐसे सिंपल से तरीके से करेंगे तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स को इस पूरी वैल्यू से करेंगे एक्स माइनस वाई, ठीक। अब यहाँ पर माइनस वाई को इस पूरी से एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ एक्स 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 जाके इसे मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये एक्स जाके इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स इंटू, ये प्लस का है यहाँ पर सामने सामने, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक्स ये वाई जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, तो फिर वाई जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर हो गया। तो अब हम करें एक्स स्क्वायर टी माइनस टू एक्स वा, ठीक है, टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये है इसी फार्मूला कहते हैं, तो हम कोई भी इक्वेशन हो कोई भी मैथ तो आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और मैथ देता हूँ, ये मुझे करके इसको कमेंट में जवाब देना इसका, ठीक है। मैं आपको दो मैथ देता हूँ, ये मुझे करके इसकी कमेंट कमेंट करना इसका जवाब, ठीक है। इसका है टू एक्स माइनस फोर एक्स होल स्क्वायर, और दूसरा ये है सी माइनस टी होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, खुदा हाफिज़।